हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे फिजिक्स व केमिस्ट्री के कक्षा 11th व कक्षा 12th के वीडियोस लेकर आते हैं। आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th के लिए भौद्विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान क्या होती है और विमाएं क्या होती है, विमाएं कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। तो विमाएं कैसे निकालते हैं वो ज्यादा जरूरी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए, तभी ये आपका टॉपिक समझ में आएगा। अब विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग में जो सबसे पहला है वो भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। कोई सूत्र है, कोई भौतिक सूत्र है, वो सही है या गलत है, उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो कोई भी भौतिक सूत्र है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष, एक तो होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। अब कोई भी राशि है, जैसे ये दे रखा है कि दूरी बराबर, दूरी हमें दी हुई है 10 किलोमीटर, तो ये क्या है बायां पक्ष और ये क्या है दायां पक्ष। बायां पक्ष में भी दूरी की बात हो रही है और दाहिने पक्ष में भी दूरी की बात हो रही है। ये भी दूरी किस भौतिक राशि को बता रहा है, दूरी को बता रहा है, और 10 किलोमीटर किस भौतिक राशि को बता रहा है, दूरी को ही बता रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो हमें दूरी दे दी और इधर लिख दिया 1 मीटर। तो बायां पक्ष किसके बारे में बता रहा है, दूरी के बारे में। दाहिना पक्ष किसके बारे में बता रहा है, लीटर के बारे में, मात्रा के बारे में बता रहा है। तो ये चीज क्या होगी, गलत होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि बायां पक्ष अगर दूरी के बारे में बता रहा है तो दाहिना पक्ष भी किसके बारे में बताएगा, दूरी के बारे में बताएगा। तो दूरी इधर है, इसकी विमा और ये जो है इसकी विमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही भौतिक सूत्र क्या होगा, सत्य होगा। यानी बायां पक्ष की विमा, बायां पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। जो बाएं पक्ष की विमा होगी और जो दाहिने पक्ष की विमा होगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी वो भौतिक सूत्र क्या होगा, सही होगा। उदाहरण करके देख लेते हैं। एक हम जैसे हमारी किताब में उदाहरण दिया है 1/2 mv बराबर mgh, 1/2 mv बराबर mgh। तो जहां जहां m क्या चीज है, द्रव्यमान, v क्या चीज है, वेग, g क्या चीज है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या चीज है, ऊंचाई। ऐसा हमारी बुक में दिया हुआ है। उदाहरण में m है द्रव्यमान, v है वेग, g है द्वितीय त्वरण और h है ऊंचाई। तो m द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, मास बोलते हैं। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, m1। पहले तो हम अलग अलग देख लेते हैं, फिर इस सूत्र के अनुसार देखेंगे। फिर वेग, वेग की जो सूत्र होता है, वेग को किसमें हम दिखाते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में दिखाते हैं। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, मीटर के लिए लेते हैं L1 और टाइम हो जाएगा t-1। पिछले वाले वीडियो में विमा मैंने निकाली बता रखी है, तो वो वीडियो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये विमा कहां से आई, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा हो जाएगी L1 t-2। ऊंचाई हम लेते हैं मीटर में, तो ये हो गया मीटर, तो ये हो गया मीटर, लेते हैं लेंथ L1। तो ये हमने सब की विमा लिख ली। अब हम लेते हैं सबसे पहले बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बाई साइड हम लेंगे, तो बाई साइड में क्या दिया है, 1/2 mv, 1/2 mv। तो 1/2 m यानी m1 और वेग, वेग हो गया L1 t-1। तो यहां पर जो विमा की अगर हम बात करें, 1
बटा दो को तो छोड़ देते, संख्यात्मक माने विभाज्य में बाद में देते, क्या आएगी L1 T-1। अब यदि यह सूत्र अगर सही है तो दाहिने पक्ष की भी विमा यही आनी चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। दाहिने पक्ष की भी विमा हम देख लेते हैं अभी। तो दाहिना पक्ष क्या है? दाहिना पक्ष है MGH, तो M हो गया M1। विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी, ये मैं बता चुका हूं, और G गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा L1 T-2, और H हो जाएगा मीटर L1। तो देख लेते हैं L1, यहाँ पर भी L1 है और यहाँ पे भी L1 है। जब आधार बराबर होता है तो धातु जुड़ जाती है, तो L1+1 T-2, और ये हो गया M1 L2 T-2। तो देखिए बराबर आ रहा क्या, यहाँ पर L1 ठीक है, यहाँ पर L1 है, यहाँ पर क्या है L2 है, यहाँ पर T-1 है, यहाँ पर T-2 है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो ये सूत्र क्या है? गलत है, यानी ऐसा कोई भौतिक सूत्र नहीं होता है। तो ये हमने सूत्र की सत्यता की जांच की है। और उदाहरण को देख लेते हैं जिसमें बाएं पक्ष की विमा किसके बराबर आनी चाहिए? दाएं पक्ष की विमा के बराबर आनी चाहिए। एक सूत्र है V=U+AT। ये सबने देखा हुआ है, यांत्रिकी का जो प्रथम समीकरण आता है उसके नाम से जानते हैं, V=U+AT। वी क्या चीज है? वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो विमा कितनी हो जाएगी? L1 T-U। यू भी क्या चीज है? वेग, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा L1 T-1। इसको अंतिम वेग बोलते हैं, इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, तो है दोनों वेग ही। ए क्या चीज है? त्वरण। ए कौन सी भौतिक राशि है? त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, L1 T-2, क्योंकि ये ऐसे स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस कर जाएगा, तो उसकी विमा जाएगी T-2। टी क्या है? समय। समय को हम मात्रक लेते हैं सेकेंड, तो यह जाएगा T-1। ये तो सभी की विमाएं देख ली, लिख ली हमने। तो पहले लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है? V। तो V की विमा कितनी है? V की विमा है L1 T-1। तो दायां पक्ष की भी विमा यही आना चाहिए, तो दायां पक्ष लिख लेते हैं इधर। ये लिख लिया हमने दायां पक्ष U+AT। U भी क्या है? वेग है, तो ये आ गई L1 T-1। प्लस त्वरण की विमा है L1 T-2, और समय की विमा है T-1। ये तो ऐसा कैसा जाएगा L1 T-1, ये आ जाएगा L1। अब यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर T-1 है, आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, तो ये हो गया L1 T-1, और ये हो गया L1-2+1, तो -1। तो देखिए इधर भी L1 T-1, इस पद की विमा भी कितनी है? L1 T-1, और इस पद की विमा भी L1 T-1, यानी ये भी वेग के बारे में बता रहा है, ये भी वेग के बारे में बता रहा है, और ये भी किसके बारे में बता रहा है? वेग के बारे में ही बता रहा है। तो LHS बराबर RHS, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, तो ये सूत्र हमारा क्या हो गया? सही हो गया है। ये है भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। ये टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, एग्जाम में एक आधा प्रश्न आ जाता है जिसके अंदर हमें एक सूत्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये सूत्र सही है या गलत है। हमें इस तरीके से सूत्र सही करना देखना पड़ेगा कि सही है या फिर गलत है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जितने ज्यादा फिजिक्स में उदाहरण निकालेंगे उतने ही कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन है S बराबर
यूटी प्लस एक बटा दो एटी स्क्वायर। एस क्या है? एस है विस्थापन। एस को हम बोलते हैं विस्थापन, जिसको नापते हैं मीटर में, और इसकी बीमा हो जाएगी एल वन। तो बाएं पक्ष की बीमा क्या है? एल वन। तो दाहिने पक्ष की बीमा भी क्या आनी चाहिए? इस पद की भी बीमा एल वन आनी चाहिए, इस पद की बीमा भी एल वन आनी चाहिए। यू आपको पता ही है क्या है? प्रारंभिक वेग। वेग हम लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल वन टी माइनस वन। और ए है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल वन टी माइनस टू। समय, ये हो गया समय। समय को हम मात्रक होता है सेकंड, बीमा हम लेते हैं टी वन में। तो बाएं पक्ष की तो हमने निकाली एल वन आ गया, ये क्या हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष दाहिने पक्ष की या दायां पक्ष, आरएचएस की अगर हम देखेंगे तो आरएचएस में हम देखें तो यूटी प्लस एक बटा दो एटी स्क्वायर। यूटी, यू की बीमा क्या है एल वन टी माइनस वन। टी प्लस एक बटा दो, त्वरण की बीमा है एल वन टी माइनस टू। समय की बीमा टी वन, लेकिन इसकी घात दो है, तो इसकी घात भी लग जाएगी दो। इस पद को हम सरल करते हैं तो एल वन, घाते समान होती है, आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है, तो माइनस एक और माइनस एक और प्लस एक बराबर प्लस एक बटा दो एल वन टी माइनस टू। और ये एक इस पे स्क्वायर है, तो ये भी कर जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एल वन टी माइनस एक प्लस एक जीरो, एक बटा दो एल एक टी माइनस दो, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी। तो किसी की भी घात अगर जीरो होती है, किसी की भी घात अगर जीरो होती है, ए की घात जीरो होती है तो उसका मान होता है एक। तो यहाँ पर टी की घात जीरो तो इसका मान कितना हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा एल एक प्लस एक बटा दो एल वन माइनस दो और प्लस दो जीरो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा ए। तो बाएं पक्ष एल वन, दाहिना पक्ष एल वन, एल वन, यानी ये सूत्र क्या है हमारा सही है। तो ये पहला अनुप्रयोग था भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। ये वीडियो था, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इलेवेंथ में अगर आपने स्टार्टिंग दो से तीन महीने मेहनत कर ली तो आपको फिर फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर एक तो आदत हो जाती है, दूसरी कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिजिक्स में आगे जाके प्रॉब्लम होती है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी के साथ धन्यवाद।